नमस्कार दोस्तों, ज्ञान विशेष चैनल में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारा देश भारतवर्ष अनेक विविध जड़ी बूटियों से भरा हुआ है। भारतवर्ष में अनेक प्रकार की चमत्कारिक और दुर्लभ जड़ी बूटियाँ पाई जाती है, जिसकी ज़्यादातर लोगों को पहचान नहीं होती या इसके गुणों को नहीं जानते। दोस्तों, प्रकृति के अनमोल खजाने में से आज मैं आपको एक अद्भुत जड़ी बूटी का दर्शन कराने जा रहा हूँ, जिसका नाम है सेमल। दोस्तों, सेमल का एक विशाल वृक्ष होता है जो अपने सुंदर फूलों से जाना जाता है। सेमल का वृक्ष लगभग सारे भारतवर्ष में उत्पन्न होता है। सेमल का संस्कृत नाम सिंबल और सालमली है। सेमल का अंग्रेजी नाम कॉटन ट्री और वैज्ञानिक नाम बॉम्बेक्स सैटिवा है। सेमल को पांच पंखड़ी वाले पुष्प लगते हैं जो लाल रंग के होते हैं। इसके फलों का आकार कैप्सूल के समान होता है। यह जब सूख जाता है तब अंदर से कपास के समान रुई निकलती है, इसलिए इसे कॉटन ट्री कहा जाता है। सेमल के वृक्ष में औषधीय गुण कुट कुट के भरे होते हैं। या यूं कहे कि सेमल का वृक्ष जड़ से लेकर चोटी तक औषधीय गुणों का एक खजाना है। सेमल कई बीमारियों को दूर करता है। यह अस्थमा, दस्त, कम, ल्यूकोरिया, एनीमिया और त्वचा के कई रोग मिटाता है। इसके अलावा यह शरीर में आई हुई कमजोरी को दूर करता है और स्वप्न दोष मिटाता है। यह शरीर में खून साफ करता है और खून की कमी को दूर करता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि सेमल का प्रयोग किस प्रकार से किया जाए। दोस्तों, अगर कोई स्वप्न दोष से परेशान है तो इन लोगों के लिए सेमल बहुत ही फायदेमंद औषधि है। इसके लिए सेमल की वृक्ष की जड़ का पाउडर बनाकर साथ में सत्तावर और मिश्री मिलाएं और दूध के साथ रोजाना दिन में 2 बार पीने से स्वप्न दोष मिट जाता है। दोस्तों, अगर किसी भी कारणवश कमजोरी आ गई हो तो सेमल इसके लिए बहुत फायदेमंद है। इसके लिए सेमल के फूलों को इकट्ठा करके इसके हरे भाग को निकालकर साफ करें। इसके बाद इसे साया में सुखाकर पाउडर बनाएं। अब इस सेमल के पाउडर को गाय के शुद्ध देसी घी के साथ या शहद के साथ मिलाकर रोजाना पीने से कमजोरी मिट जाती है। ये एक नेचुरल प्राकृतिक इलाज है, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, लेकिन शहद और घी शुद्ध होना चाहिए। इसके अलावा सेमल वृक्ष की छाल का काढ़ा बनाकर नित्य पीने से मूत्र संबंधी सभी समस्या दूर होती है। इसके सेवन से पेशाब खुलकर आता है और पेशाब की जलन दूर होती है। सेमल की जड़ का काढ़ा बनाकर अदरक और काली मिर्च मिलाकर पीने से जुकाम और खांसी मिटते है। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि लाइक करने के कोई हमें पैसे नहीं मिलते। आपके लाइक करने से हमारे वीडियो का मोटिवेशन आपको जाता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटे दबाने के बाद ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, पुरुषों के साथ साथ सेमल महिलाओं के लिए भी बहुत फायदेमंद है। सेमल के जड़ के साथ थोड़ी मुलेठी मिलाकर काढ़ा बनाएं। इस काढ़े में थोड़ी स्वर्ण गेरू मिलाकर दिन में 2 बार पीने से मासिक धर्म के दौरान अधिक रक्तस्राव नहीं होता। सेमल की जड़ की छाल या इसके तने की छाल का काढ़ा बनाकर नित्य सुबह शाम पीने से स्तनपान कराने वाली महिलाओं का दूध बढ़ता है। दोस्तों, सेमल की छाल को पानी के साथ पीसकर एक पेस्ट बनाएं। इस पेस्ट को घावों पर लगाने से घाव शीघ्र भरने लगते हैं। ल्यूकोरिया में भी सेमल बहुत फायदेमंद है। इसके लिए सेमल की जड़ को सुखाकर पाउडर बनाकर 10 ग्राम की मात्रा में पानी या दूध के साथ सेवन करने से या जड़ को पानी में उबालकर काढ़ा बनाकर सुबह शाम सेवन करने से श्वेत प्रदर यानी सफेद पानी का आना बंद हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक नई जानकारी के साथ।